Hey guys, so आज हमारे पास है इंडस बैटल रॉयल की एक्सक्लूसिव गेम प्ले फुटेज। यस, जी हाँ दोस्तों, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं अपनी वेरी ओन इंडियन बैटल रॉयल एंड आई एम 100% श्योर यू डोंट वांट टू मिस दैट। इन पे तो पगड़ी भी है। क्या नाम क्या है? गुफा। किसी ने हेलमेट नहीं पहना गाइस, चलान कट सकता है इनका कभी भी। एज यू कैन सी सामने लिखा हुआ है अल्फा फुटेज, दिस गेम इज स्टिल इन अल्फा और इस पे काफ़ी सारी अभी ये लोग चेंजेस और अपडेट्स कर रहे हैं। बाय द टाइम बीइंग आप लोग जब तक ये फुटेज देखो क्या पता कितने और अपडेट आ गए होंगे। दिस गेम इज नॉट रिलीज्ड येट, तो अगर आप लोग सोच रहे होगे ये सारे प्लेयर्स कहाँ खेल रहे हैं, सो इनका एक ई स्पोर्ट्स इन्विटेशनल हुआ था जिसमें इन्होंने हर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्लेयर्स को इन्वाइट किया था, ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया था और बहुत सारे लोग गए थे इनके ऑफिस में और वहां पर उन्होंने लैंड पे सबको ये गेम खिलाया था एंड दिस फुटेज इज फ्रॉम दैट। आपको बहुत सारे इंडियन एलिमेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अभी आप ये देख रहे थे सामने एक पोस्टर था जिसमें एक काइंड ऑफ इंडियन टच आर्ट का था। और यहाँ पर फाइट हो रही है दो टीमों की, ई जी वर्सेज आर जी ई। ओके ओके, ओह दैट ऑडियो देखा आप लोग ने, आया ऑर्बिटल ड्रॉप इनकमिंग है जी। ओके जी, तो अभी 40 लोग इस मैच में हैं और उसमें से 38 पीपल आर अलाइव, 10 टीम्स आर अलाइव और इसमें व्हीकल्स भी हैं भाई। ये देखो जैसे रियुगा करके हैं, ये व्हीकल चला रहे हैं। सो ये देखो जोन क्लोज हो रहा है, दिस इज हाउ द जोन लुक्स आई गेस, ये जो अभी आप लेफ्ट में देख रहे हो एंड आई थिंक दिस गाय इज आउटसाइड जोन और ये मरने वाला है। He knows he is dead because zone यहाँ से close होगा और zone के बाहर था वो and हम लोग zone के अंदर आ चुके हैं उसका teammate और ये रहा zone भाई। ये देखो map is काफी बड़ा map है यार अगर आप देखे तो। और भाई जगह का नाम क्या है? गुफा भाई। और क्या है? देखे एक यहाँ pause करते हैं, जगहों के नाम हम देखते हैं। Vigilance, Way Station, Commerce District। ये नाम थोड़े से और यूनिक हो सकते थे ना, ऐसा इंडियन जैसा नाम हो सकते, जैसे उस जगह का नाम गुफा है वो काइंड ऑफ थोड़ा सा इंडियन नाम है। और यहाँ क्या है? मदर ट्री, दिस इज वर्लोक टर्मिनल, नॉलेज पार्क, डेटा सेंटर। बट हाँ, आई फील दिस गेम इज मेंट फॉर अदर कंट्रीज एज वेल, कि भाई वो लोग भी खेलेंगे तो उनके लिए भी ऐसा नहीं होना चाहिए थोड़ा सा मुश्किल टू प्रोनाउंस नाम। मे बी एक और मैप आएगा जिसमें इंडियन नेम्स होंगे, थोड़े और मजा आएगा यार, थोड़ा ऐसा थोड़ी इंडियन टच और फील होती है जब ऐसे नाम आपको देखने को मिलते हैं। कि हम कहाँ ड्रॉप कर रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं बाजार सर्कल। ओ निर्वाणा अप्रोचिंग, अच्छा सर्कल का क्या नाम निर्वाणा है क्या? ओके ओके, सर्कल क्लोज हो रहा है, 4 टीमें अलाइव हैं, 14 लोग अलाइव। ओके, 4-4 का स्क्वाड है, गॉट इट। अब 3 टीमें बची हैं, इनका पीओवी भी दिखाते ना थोड़ा सा और पता चलता कि उनके पर्सपेक्टिव से कैसा लग रहा है फाइट। ऐसे ऊपर से देखने में तो 8-bit got wiped। ओके, ओ ये क्या कॉस्मियम? इज दिस कॉस्मियम गाइस? ऐसा लग रहा है ना, दिस लुक्स लाइक कॉस्मियम। ओ विक्ट्री, ओ हाँ एक्चुअली में देखो 2 टीमें बची थी और आरजीई ने आई थिंक कॉस्मियम सिक्योर कर लिया, समथिंग लाइक दैट एंड वन। ओ दिस इज द विक्ट्री साउंड भाई, अच्छा लगा है, थोड़ा इंडियन ट्यून थी, सितार वितार बज रहा था, सुनाई दिया मुझे। दिस ऑल्सो लुक सो नाइस डूड। नाउ दिस गेम विल बी अ फ्रेश ब्रीदर अमंग्स द बैटल रॉयल बिकॉज इन्होंने एक और विन कंडीशन इस गेम में डाली है विच इज कॉल्ड कॉस्मियम। सो देर इज समथिंग कॉल्ड कॉस्मियम और जिसको आपको इन द गेम एक्वायर करना होता है, दिस इज द कॉस्मियम। और ये देखो यहाँ पर एक टीम है, यहाँ पर एक टीम है और यहाँ पर 2 टीमें लड़ रही थी। देखो अभी 4 टीमें बची हैं, चारों की हमें पोजीशन पता है और उस कॉस्मियम कहाँ है? बीचों बीच पे है। और इसको सिक्योर करने के लिए दे हैव टू कम हियर और दे हैव टू कम हियर और मतलब कुछ तो करना पड़ेगा एंड आई गेस इन्होंने फाइट का फायदा उठाया और फिर इन्होंने कॉस्मियम ले लिया जब ये दोनों टीम आपस में लड़ रही थी। ओ दैट वाज ब्रिलियंट डूड। सो दिस इज द न्यू टच आई वांटेड इन अ बैटल रॉयल, कि भाई देयर शुड नॉट बी जस्ट अ सिंगल कंडीशन कि भाई द लास्ट मैन लास्ट टीम स्टैंडिंग विंस, कि भाई आपका सर्कल क्लोज हुआ, हीलिंग बैटल हुआ और उसके बाद पता चलता है कि भाई कौन सा बंदा जो है वो सबसे आखिरी में बचा वो जीता। लाइक देयर इज अनदर वे टू विन बैटल रॉयल, दैट इज इस गेम में कि कॉस्मियम
एक चीज है जिसको आपने अगर सिक्योर कर लिया यू विन। और ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, किसी और गेम में आई गेस मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट कि आप लास्ट मैन स्टैंडिंग के अलावा भी कोई और तरीका है जिसमें जीत सकते हो। एटलीस्ट एपेक्स में नहीं है, पबजी में नहीं है, और कौन सी बैटल रॉयल हमने के लिए फोर्टनाइट में ऐसा कुछ नहीं है। सो दिस इज अ नाइस कॉन्सेप्ट, और जितने भी लाइक आगे फ्यूचर में गेम्स आएंगे दे कैन ऑल्सो एड समथिंग लाइक दिस इफ दिस वर्क्स। एंड मुझे तो अच्छा लगा, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में हाउ डू यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट। ओके सो दिस इज हाउ इट विल लुक, द टीपीपी व्यू जो कि आप लोग को देखने को मिलेगा फ्रॉम द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर का डिजाइन देखो भाई, लुकिंग सो फ्रेश, नया। ओ भाई साहब इन पे तो पगड़ी भी है, क्या ये सरदार जी हैं क्या? ओके बाइक पे दो लोग बैठ सकते हैं, ये हमें क्लियर हो गया, इट्स नॉट अ सिंगल पर्सन बाइक। किसी ने हेलमेट नहीं पहना गाइस, चलान कट सकता है इनका कभी भी। भाई ये सब भी कॉन्सेप्ट डाल दो गेम में, अगर आप 5 मिनट से ज्यादा बाइक चलाते हो विदाउट वेयरिंग हेलमेट आपका चलान कट जाएगा। ओ इनके सिर पे ताज है भाई इस कैरेक्टर के, भाई कैरेक्टर डिजाइन्स आर सो यूनिक ब्रो, ताजमहल वाला कैरेक्टर डिजाइन है देख रहे हो ब्रो, दिस इज सिक। और इनका एक नया कैरेक्टर का भी रिवील हुआ दिस दिवाली, आप लोग उसका भी फोटो देखो, बताओ भाई कितने यूनिक कैरेक्टर्स हैं यार, वेल थॉट, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसका पीसी गेम भी इन डेवलपमेंट है, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट गेम एज वेल। और ये मोबाइल वर्जन है, ये लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब लॉन्च होगा क्योंकि भाई गेम काफी ज्यादा मुझे पॉलिश और काफी अच्छा दिख रहा है। अब जो प्लेयर्स हैं वही खेल के बता सकते हैं कि क्या छोटे मोटे बग्स हैं जो कि उस पर वो लोग काम करेंगे एंड उसको फिक्स कर देंगे। आओ गेम के आगे लास्ट पार्ट्स में जाते हैं, देखते कौन जीतता है। 3 टीम बची हैं और इन्होंने 3 किल लिए हैं, एक और ताज वाले भैया जा रहे हैं, फॉक्स ओपी जा रहे बैकअप देने, एक ताज डाउन पड़ा हुआ है, एक ताज जा रहे हैं, आई थिंक रेस करेंगे। तो सेम टीम में 2 सेम कैरेक्टर्स हो सकते हैं, दिस इज हाउ यू कैन प्ले आई गेस। इससे तो हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि दोनों के कैरेक्टर देखो सेम है, तो ऐसा नहीं है कि आपको यूनिक कैरेक्टर ही लेना है। और कैरेक्टर्स की आई गेस एबिलिटीज हैं या नहीं है ये नहीं पता मुझे, लग नहीं रहा मुझे हैं। और कॉस्मियम आया हुआ है, देखो कॉस्मियम आया हुआ है, आई थिंक देयर इज अ टाइम जो कॉस्मियम का चल रहा है उतने टाइम में अगर किसी ने सिक्योर कर लिया तो, और कर लिया गॉडल ने सिक्योर कर लिया कॉस्मियम एंड दे वन। क्योंकि अभी देखो ये देखो 3 टीमें अभी भी बची हुई थी, दे डिड नॉट वाइप ऑल द टीम बट दे गॉट अनदर विन कंडीशन, दैट इज दे गॉट द कॉस्मियम, रिबेल गॉट द कॉस्मियम। नाइस गुड कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा, वेरी नाइस। इससे क्या होगा, दूसरे टीम से प्रेशर बनेगा कि हमें वो कॉस्मियम उनको लेने से रोकना भी है और फाइनल सर्कल भी सर्वाइव करना है, ये चीज अच्छी लगी। सो ये था इंडस बैटल रॉयल का गेम प्ले, आप लोग बताना आपको कैसा लगा इंडस बैटल रॉयल, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस गेम टू लॉन्च, जब भी हो ये लॉन्च, आई डोंट नो एग्जैक्टली कब लॉन्च हो रहा है बट आई गेस वो डेट जल्दी आएगी। भाई फाइनल प्रोडक्ट का अगर उन्होंने फुटेज हमको दिया है उसका मतलब है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई ये अल्फा बिल्ड पे दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि भाई ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट बन चुका है और इसको हम बस थोड़ा और पॉलिश करके थोड़े और बग्स वग्स फिक्स करके निकाल देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर अमेजिंग गेम प्ले वीडियोस, वैरायटी गेम्स, स्ट्रीम्स, वॉड्स, व्लॉग्स, अ लॉट ऑफ स्टफ, तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन बताना इस गेम के बारे में। ओके सी या ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।